पुलिस की जो स्थिति है पश्चिम बंगाल में, जितने सारे वोट बूथ है हमारे, इन बूथ के हिसाब से अगर पुलिस का संख्या को हम डिवाइड करें मैथमेटिकली, तो दिखाता है कि हम हर बूथ में पश्चिम बंगाल सरकार पुलिस द्वारा सुरक्षा नहीं दे सकता। इसीलिए इनको चाहिए कि सेंट्रल फोर्सेस का सहारा ले, तभी जाके इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो सकता है, अदरवाइज इलेक्शन के नाम पे ढकोसला होगा। आपने जो चिट्ठी पोस्ट किया है, तृणमूल कांग्रेस का कहना है बीजेपी ऐसा लेटर पोस्ट करके दिखाना चाहता है पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, वो चिट्ठी ओरिजिनल नहीं है। देखिए, कल ऑलरेडी एक कांग्रेस के समर्थक का मर्डर हो चुका है। क्यों मर्डर हुआ? अब तृणमूल कांग्रेस को आप पूछिए कि मर्डर क्यों हुआ। तो अगर पश्चिम बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही है तो क्यों मर्डर होते इलेक्शन की शुरुआत में ही मर्डर करके एक कांग्रेस के समर्थक को मार दिया गया? और अरेस्ट कौन हुआ? तृणमूल कांग्रेस के दो बंदे अरेस्ट हुए। अरेस्ट तो हो गया, लेकिन जो भय का वातावरण बना दिया एक मर्डर करके, तो कौन आदमी आगे आएगा इलेक्शन करने के लिए? राज्यपाल से आप लोग मिले हैं क्या? राज्यपाल को ये कोई आपने मांगा है कि सेंट्रल फोर्स लाने के लिए केंद्र सरकार को बोला जाए? हमने 3-4 जो हमारे पॉइंट्स है उसमें उनको बोला है, उसमें संज्ञान लेने के लिए। नंबर 1 के सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, क्योंकि जितने नंबर ऑफ बूथ्स है और जितने नंबर ऑफ टोटल पुलिस है, अगर उसको आप बांटेंगे तो पुलिस द्वारा संभव नहीं है बूथों की सुरक्षा करना। दूसरी जो बात है, हमने जो पॉइंट्स उनसे जो मांग रखी है कि नो कॉन्टेक्चुअल स्टाफ शुड बी एंगेज इन इलेक्शन प्रोसीड्योर, कोई भी कॉन्टेक्चुअल पोस्ट बंदे को इसमें इलेक्शन में नहीं काम में लेना चाहिए, क्योंकि उनका नौकरी कॉन्टेक्चुअल है, शर्ताधीन है, मतलब वो अगर कुछ फुलफिल कर पाएंगे तभी उनका नौकरी रहेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट के बात अगर नहीं सुनेंगे तो उसको नौकरी से हटा दिया जाएगा, तो कौन अपना नौकरी खोना चाहेगा? सिविक, इंक्लूडिंग सिविक वॉलंटियर्स जो है वो भी कॉन्टेक्चुअल है, उनको भी नहीं लाना चाहिए इलेक्शन प्रोसीड्योर में। तीसरा जो हमने पॉइंट रखा है, सीसीटीवी का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन होना चाहिए बूथ के अंदर जैसे होता है, और उसके साथ साथ काउंटिंग हॉल में। दादा, हमने कल देखा नॉमिनेशन फाइलिंग का डेट अनाउंस हुआ, और ऐसे में जो मृत्यु की जो कंडीशन है यहाँ पर शुरू हो गई है, ऐसे में इसी इसका डालना है राज्यसभा का कि अभी प्री मैच्योर है सेंट्रल फोर्स डिसीजन पर, क्योंकि स्टेट सक्षम है इलेक्शन करवाने के लिए। देखिए, मैं बार बार यही पॉइंट रेज कर रहा हूँ कि हमारे इलेक्शन कमीशन स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात करके कहता है कि पुलिस सक्षम है इसको संभालने के लिए, लेकिन ये जो एक जान चला गया कल, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारे देश के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके डिसीजन सही है तो आपके डिसीजन के कारण एक आदमी अपना जान गंवा रहा है। जुडिशियरी ऑल्सो शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। ये आदमी जो मारा गया, दो लोग ने तो मार दिया, गोली चला दिया, लेकिन उनको गोली चलाने का साहस कहां से आया? ये कॉग्निजेंस कोर्ट को भी लेना चाहिए। ये चल नहीं सकता कि हर बार इलेक्शन आएगा पश्चिम बंगाल में और 100 लोग मारे जाएंगे। देखिए, रिपोर्ट तलब किया है, अच्छी बात है, लेकिन रिपोर्ट के ऊपर कुछ एक्शन तो ले। हर चीज में वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन करके करेंगे, ऐसा करने से कैसे होगा? स्टेट गवर्नमेंट तो चाहता ही नहीं कि इलेक्शन हो, नॉमिनेशन बिना ही हो जाए ऐसा चाहते हैं कि अपना अपना आदमी बैठा दे प्रधान बना के। कांग्रेस कह रही है कि आने वाले पंचायत इलेक्शन में लेफ्ट और कांग्रेस साथ लड़ेगी ताकि वो बीजेपी और पुलिस के खिलाफ। देखिए, लेफ्ट और कांग्रेस साथ लड़े, दिल्ली में जाके टीएनसी को भी साथ ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। बीजेपी अपने दम से लड़ेगी, और बीजेपी एकमात्र पार्टी है जो टीएमसी को हरा सकती है, नहीं तो बायरन विश्वास हो जाएगा। अगर लोग कांग्रेस को भूल से भी वोट दे दे, वो बायरन विश्वास हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।